हेलो गाइस। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो सनी है और सचिन है और करण है। आपके सामने करण है, ये जो दिख रहा ना बंदा ये करण है। तो गाइस आज इस वीडियो में आपको थ्री फ्लिप सिखाने वाला हूँ बिना डर के, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियो लोग भेजते हैं, कहते हैं करण भाई देखिए क्या गलती हो रही। जो लोग फ्लिप सीखना चाहते तो ये वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखना। तीनों फ्लिप एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो गाइस चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट, आप लोगों को सिखाते हैं डांस स्टंट। दोस्तों यहाँ पर देख लो, आपको फ्लिप करने से पहले एक्सरसाइज करना, क्योंकि बॉडी में फुर्ती लाना। पहले हम लोग अपने हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर देखो सचिन और सनी दोनों हाथों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने हाथों को लूज करना है, ढील ढाल करना है। जब आप लोग फ्लिप मारे तो जल्द हो और लगे ना, तो आपको ऐसे करके कर लेना, दोनों हाथों पे करना है। घुमा लीजिए हाथों को ऐसे करके। अब आपको करना क्या होगा, गर्दन की कर लीजिए सचिन भाई, गर्दन की, क्योंकि आपको गर्दन की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे फिल्म में यूज होगी गर्दन। आपको इस प्रकार कर लेना। अब आपको करना क्या होगा, थोड़ा आप लोग जंप अम्प की प्रैक्टिस कर लो, बॉडी में थोड़ा एनर्जी आ जाए जंप अम्प की। ऐसे करके देखो, देखो ऐसे करके आप लोग जंप अम्प कर लो ऐसे करके। तो गाइस आप लोगों की बॉडी फ्री होना चाहिए, तो आपको इस प्रकार एक्सरसाइज कर लेना। यहाँ पर देखो सचिन कर रहा है और सनी कर रहा है, इस प्रकार आपको कर लेना, बॉडी में एक एनर्जी आ जाएगी अलग से। आप लोग करके देखना, आपके बॉडी में इतनी ज्यादा फुर्ती आ जाएगी आप लोग कुछ सोच नहीं सकते। ऐसे करके आपको कर लेना है। अब थोड़ा बहुत आपको अपनी कमर की एक्सरसाइज कर लेना है, लेट कर आपको अपनी कमर को तोड़ना है। लेट कर, लेट कर, लेट कर करिए, लेट कर ऐसे करके देखो, ऐसे करके लेट जाइए। हाँ ऐसे करके करिए, ऐसा करके आपको करना है। इससे फायदा क्या होगा, जो लोग कहते हैं मेरी कमर दर्द करती है, तो आपको इस प्रकार कर लेना, आप लोगों की कमर कभी नहीं दर्द करेगी। इस प्रकार कर लेना धीरे धीरे, आप लोग करना जितना हो सके आप लोग उतना करना है। ऐसे करके इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, देखो आपको इस प्रकार कर लेना है। दोनों हाथ आगे को रखना है और अपनी पीठ को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करना है, और पैर की पोजिशन आपको कुछ इस प्रकार रखना है। पर मैं आपको पास से दिखाता हूँ, देखो पैर की पोजिशन आप लोग इस प्रकार रख सकते हो, या आप लोग मोड़ भी सकते हैं अपने पैरों को, ऐसे भी कर सकते हो जैसे सनी कर रहा है। इस प्रकार आपको कर लेना, खड़े हो जाइए। तो गाइस आपको इतनी सारी एक्सरसाइज कर लेना। अब यहाँ पर चलो हम लोग पहला स्टंट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, क्योंकि अभी सनी सीख रहा है, सनी कम कर पाता है और सचिन कर लेता, तो मैं आ जाता हूँ वीडियो में, आपको बताता हूँ कैसे हम लोग सीखेंगे। पहला स्टंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, हेड फ्रंट हैंड स्प्रिंग, हेड फ्रंट हैंड स्प्रिंग। तो गाइस यहाँ पर देखो हम लोग पहला स्टंट शुरू करने जा रहे हैं, हेड फ्रंट हैंड स्प्रिंग। हेड फ्रंट हैंड स्प्रिंग करना कैसे होगा, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। सबसे पहले आपको इस प्रकार बैठ जाना है, देखो इस प्रकार बैठ जाना है, ऐसे करके आपको बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद आपको फ्रंट रोलिंग की प्रैक्टिस करना है, फ्रंट रोलिंग आगे की ओर गलोटी करना है। तो कुछ ऐसे करना है, यहाँ पर देखो ऐसे करके आपको दोनों हाथ रखना है और ऐसे करके आपको आगे की ओर घूम जाना है। ऐसे करके आपको इसकी प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा, करिए सचिन भाई। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो सचिन भाई कर रहा है, चाहे तो आप लोग बैक रोलिंग भी कर सकते हो। बैक रोलिंग से ये फायदा होगा, जब भी आप लोग बैक फ्लिप सीखोगे तो जल्द सीख जाओगे। आपको ऐसे करके देखो, ऐसे करके दोनों हाथ रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऐसे करके हाथ और आगे को और आपको गलोटी खेल जाना, करिए सचिन भाई ऐसे करके। तो गाइस ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, आपको फ्रंट रोलिंग करना, मगर आपको अपना सर रखते हुए आगे को गलोटी करना है, सर रखते हुए। देखो दूसरा स्टेप ऐसे करेंगे, देखो ये सर रखेंगे ऐसे करके, देखो ऐसे, और ये हम लोग इसे फिर से करेंगे, अपना सर जमीन पे रखेंगे और हाथ को ऐसे, और फिर से आगे को और गलोटी करेंगे ऐसे करके, देखो ऐसे। मैं आपको बहुत ही स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप लोग ये मत कहना करण भाई मुझे नहीं आ रहा, आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप लोग सीख जाओगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। अब आपका तीसरा स्टेप है, आपको करना क्या होगा, इसी में थोड़ा जंप लेना, पैरों से किक लेना थोड़ा से, देखो ऐसे करेंगे। अब आपका चौथा स्टेप है, चौथा स्टेप अब आपको करना क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा अपने सिर से थोड़ा जमीन पे पुश करना है, सिर से और पैरों से भी और हाथों से भी। ट्राई करते रहना, स्टार्टिंग में नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ पर देखो हम लोग करेंगे, और देखो हवा बहुत ज़्यादा चल रही, मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छी तरह से ना सुनाई दे तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही।
तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो अभी सचिन भाई हेड फ्रंट हैंड स्प्रिंग सीख रहा है, इसलिए गिर रहा है। आपको प्रैक्टिस करते रहना, जैसे हम लोग डी बनते ना, डी बनकर उठते हैं, उस प्रकार आपको इसमें भी करना होता है। करिए एक बार ट्राई, करिए ट्राई ऐसे करके देखो। स्टार्टिंग में इस प्रकार होगा, देखो सचिन भाई इस बार खड़ा हो गया। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, आ जाएगी। अब हम लोग इसे सही तरह से कैसे करेंगे, फाइनल स्टेप है। आपको जितना हो सके आप लोग हाथों से जमीन पे पुश करिए और अपनी बॉडी को लचाते हुए, जो हमारी कमर की एक्सरसाइज है उसे आपको यूज करना, अपनी कमर को लचाते हुए उठाना। यहाँ पर देखो मैं ट्राई करूंगा, और हवा बहुत ज्यादा चल रही है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये है हेड फ्रंट हैंड स्प्रिंग। हम लोग इसमें हेड के सहारे कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसका नाम रख दिया हेड फ्रंट हैंड स्प्रिंग। आप लोग इस प्रकार सीख सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे फ्लिप की ओर, जो कि है फ्रंट हैंड स्प्रिंग। फ्रंट हैंड स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, कह रहे हैं करण भाई मुझे फ्रंट हैंड स्प्रिंग सिखाइए, मैं गिर जाता हूँ। गलती क्या करते हैं यहाँ पर, आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। आपको करना क्या होगा, जितना हो सके आप लोग राइट पैर से किक लो। देखो राइट पैर, ये मेरा राइट पैर है, इसे आप लोगों को किक लेना ऐसे करके। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप लोगों को इस प्रकार की वीडियो नहीं मिलेगी। तो आपको करना क्या होगा, राइट पैर से किक जितना हो सके ऐसे करके, ऐसे आपको राइट पैर से किक लेना है। अब आपका दूसरा स्टेप है सेकंड स्टेप, आपको लेफ्ट पैर से जंप लेना है, राइट पैर से किक। देखो हम लोग करेंगे राइट पैर से किक और लेफ्ट से जंप ऐसे करके, कुछ ऐसे ऐसे करके आपको करना। क्योंकि एक भाई कमेंट कर रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पर, वीडियो भेजा, कह रहे थे करण भाई बताइए किक कैसे लेना होता, तो आपको इस प्रकार किक लेना है। अब आपका थर्ड स्टेप है, तीसरा स्टेप, आपको इसमें कुछ हाथों को भी जमीन पर रखना है ऐसे करके। देखो ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके आपको करना, देखो ऐसे। तो गाइस आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की ओर, चौथा स्टेप, आपको इसमें फ्रंट रोलिंग की प्रैक्टिस करना है कुछ ऐसे। देखो तो गाइस यहां पर देखो आपका फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं फाइव स्टेप की ओर, पांचवे स्टेप की ओर। आपको करना क्या होगा, इसमें आपको करना क्या होगा, दोनों हाथ जमीन पर रखना है और राइट पैर से किक लेफ्ट से जंप। यहां पर हम लोग ऐसे करेंगे ये, और राइट पैर से किक लेफ्ट से जंप ऐसे करके, ऐसे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग में आप लोगों से इसी प्रकार होगा, आप लोग गिर भी सकते हो। आपको करना क्या होगा, आप लोग राइट पैर से किक लो, क्योंकि मैंने वीडियो देखा बहुत सारे भाइयों को, वो किक नहीं करते हैं। तो आप लोग फिर से इस वीडियो को देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो राइट पैर से मैं किक लूंगा, लेफ्ट से जंप और हाथों को पूछ। देखो तो आप लोग देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ फ्रंट हैंड स्प्रिंग, इसी प्रकार आपको करना आ जाएगी। स्टार्टिंग में आप लोग गिरोगे, आपको जितना हो सके किक लो और लेफ्ट से जंप और हाथों को पुश जमीन पे करना है। पुश का मतलब आपको ताकत लगाना है हाथों को ऐसे करके जमीन पे। अब हम लोग इसे सही तरह से आपको करके दिखा देते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं थर्ड फ्लिप की ओर। तो गाइस यहां पर देख सकते हो ये है फ्रंट हैंड स्प्रिंग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अब फ्रंट हैंड स्प्रिंग और हेड फ्रंट हैंड स्प्रिंग सीख जाओगे। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड फ्लिप की ओर, तीसरी फ्लिप की ओर, जो कि है बिना हाथ वाली फ्रंट हैंड स्प्रिंग। बिना हाथ वाली, हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे इसमें, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो करना क्या होगा इसमें, देखो पहला स्टेप है आपको, देखो लेफ्ट पैर आगे की ओर रखना है, लेफ्ट पैर आपकी बार आपको आगे की ओर, लेफ्ट। ये हम लोग अपना लेफ्ट पैर जमीन पर रखेंगे, राइट पैर हमारा आगे की ओर जाएगा ऐसे करके, ऐसे करके नहीं, लेफ्ट आगे। और ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आपको इसमें, देखो राइट पैर से किक लेना, लेफ्ट से जंप। देखो लेफ्ट पैर आगे रखेंगे और ये हमारा गया राइट पैर आगे। अब इससे हम लोग किक लेंगे राइट पैर से और लेफ्ट से जंप ऐसे करके, देखो ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके। आप लोग समझ गए मेरी बातों को, तो आप लोगों को इस बार प्रैक्टिस करना। देखो लेफ्ट पैर आगे रखेंगे, ये हमने जंप लिया, राइट पैर आगे आया, अब राइट पैर से किक लेफ्ट से जंप ऐसे करके, ऐसे। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। जब आप लोगों का यह कंप्लीट हो जाता है, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे स्टेप को। तीसरे स्टेप को और आपको करना क्या होगा, इसमें भी आपको फ्रंट हैंड स्प्रिंग करना, फ्रंट हैंड स्प्रिंग, क्योंकि डर लगेगा। तो हम लोग फ्रंट हैंड स्प्रिंग को चेंज करके आ जाएंगे बेबेस्टर पे, बिना हाथ के हम लोग वन लेग फ्रंट हैंड स्प्रिंग सीखेंगे। देखो तो करेंगे हम लोग यहां से,
फ्रंट हैंड स्प्रिंग करेंगे ऐसे और यहाँ और ये तो गाइस आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना। जब आप लोग यहां तक पहुंच जाते हैं आप लोग बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। आपको करना क्या होगा इसमें, आपको अब हाथ बहुत कम लगाना है, जितना हो सके आप लोग राइट पैर से किक लो और लेफ्ट से जंप। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इस प्रकार आप लोगों से होगा। जब आप लोग स्टार्ट करोगे आपको टक नहीं करना, अब आपको टक करने की कोशिश करना। तो डर लगेगा इसलिए मैंने आपको गिरते हुए करके दिखाया, क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं मैं गिर जाता हूं, तो आप लोग इस प्रकार गिरोगे। अब हम लोग इसे सही तरह से करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके आप लोग राइट पैर से किक, लेफ्ट से जंप और टक। देखो अब हम लोग इसे सीखेंगे। रनिंग वाली मार क्या दिया ना, मार पर एक दो कदम में मार दे मगर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में आप लोगों से स्टैंडिंग इस प्रकार होगी, आप लोग इस प्रकार बैठे हुए भी आओगे, आपको प्रैक्टिस करते रहना आ जाएगी। जितना हो सके आप लोग राइट पैर से किक, लेफ्ट से जंप और टक, टक भी जरूरी। टक करोगे तो आपकी बॉडी छोटी हो जाएगी, तो आप लोग जल्द फ्लिप सीख जाओगे। अब चलो यहाँ पर हम लोग इसे और सही तरह से करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको तीनों फ्लिप साथ में मैं और सचिन करके दिखा देंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये है स्टैंडिंग बेवेस्टर। अब हम लोग आप लोगों को सही तरह से फ्लिप तीनों करके दिखा देते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोग और भी अच्छी तरह से इसे मार सकते हो, पूरा स्टैंड हो जाओगे। अभी आप लोग देख सकते हो मेरी हाइट कम आ रही, आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, स्टार्टिंग में आप लोगों से इसी प्रकार हाइट आएगी। और जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग जानते हो वीडियो बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। और आप लोगों को मैं एक बात बताना भूल गया हूँ, आप लोग सेफ्टी का विशेष ध्यान देना, जहाँ भी आप लोग प्रैक्टिस करें जैसे गिर जाए तो चोट न लगे। चलो यहाँ पर हम लोग तीनों फ्लिप आपको करके दिखा देते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रकार बिना डर के तीनों फ्लिप सीख सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो अभी सचिन भाई सीख रहा है, इसलिए बेवेस्टर स्टैंडिंग करके आपको नहीं दिखाया, तो मैंने दिखाया स्टार्टिंग में आप लोगों से इस प्रकार होगा, आप लोग प्रैक्टिस करते ना आ जाए। तो गाइस जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।